यूपी के सीएम बनने के 10 दिन बाद लखनऊ में योगी आदित्यनाथ का गृह प्रवेश। पूजा पाठ खत्म होने के बाद किया घर का मुआयना। लखनऊ में सीएम आवास पर फलाहार का आयोजन, कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, सभी विधायक मंत्री शामिल। हमीरपुर में नवरात्र के पहले दिन बिजली कटौती से साधु संत नाराज, बिजली विभाग के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन। फरुखाबाद में संघ के सरसंचालन करते हुए स्वयंसेवकों का मुस्लिम समाज के लोगों ने किया स्वागत, जमकर फूलों की बरसात की। वाराणसी समेत यूपी के कई शहरों में आज भी मीट दुकानें बंद, व्यापारियों का विरोध जारी। वाराणसी में गाय की तस्करी में 4 गिरफ्तार, पुलिस ने बढ़ाया गश्त। हापुड़ में मीट बेचने वाले दुकानदारों ने चाय की दुकान खोली, शहर में 80 दुकानों को बंद करने के नोटिस के बाद फैसला लिया। झांसी में अवैध बूचड़खानों पर बैन के बाद होटल मालिकों ने वेज बिरयानी बेचना किया शुरू, कहा अगर ऐसा नहीं करते तो खाने के पड़ जाते लाले। मऊ में पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं के बारे में आपत्तिजनक मैसेज व्हाट्सएप पर भेजने वालों के खिलाफ केस, ग्रुप एडमिन समाजवादी पार्टी का नेता भी फंसा। शामली में अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस का अभियान, कई जगहों पर व्यापारियों ने विरोध जताया। वाराणसी में सड़क छाप, मनचले की पिटाई, पीड़िता को 3 साल से कर रहा था परेशान। शाहजहांपुर में दरोगा ने की एक पीड़ित महिला के साथ छेड़खानी, एसपी ने केस दर्ज करवाकर किया सस्पेंड। ग्रेटर नोएडा में फिर नाइजीरियाई मूल की छात्रा से मारपीट का मामला सामने आया, अस्पताल में भर्ती कराई गई पीड़ित, जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में नाइजीरियाई मूल के लोगों पर हमले को लेकर एक्शन में पुलिस, 1200 अज्ञात लोगों के साथ 10 नाम। इटावा में ड्यूटी के दौरान जीप में बियर पीते पुलिस वाले कैमरे में कैद, वीडियो सामने आने के बाद 5 आरोपी पुलिस वाले लाइन हाजिर। हरदोई में एसबीआई के एक ब्रांच में एक युवक और नाबालिग लड़की ने लगाया सेंध, एक शख्स के बैग से करीब 3.5 लाख कैश ले उड़े। शाहजहांपुर में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 50 से ज्यादा श्रद्धालु घायल। लखीमपुर में करंट लगने से 2 घोड़े समेत 2 लोगों की मौत, बग्घी में लग गया था करंट। रामपुर में कार और तमंचे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, पिछले साल आरोपी ने लूटी थी कार। मथुरा में एक सिपाही की संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत, घरवालों ने प्रेमिका पर इल्जाम लगाया। यूपी के महाराजगंज में 4 साल की बच्ची से रेप, हालत बिगड़ने पर अस्पताल में करवाया गया भर्ती। सहारनपुर में बाप ने बेटे को मारी गोली, अस्पताल में करवाया गया भर्ती, पैसों के विवाद में वारदात को दिया अंजाम। एटा में तेज रफ्तार बस खाई में गिरी, 12 से ज्यादा लोग जख्मी, 4 की हालत नाजुक। बुलंदशहर के जहांगीराबाद में बिजली दफ्तर में पुलिस की रेड, 2 शराब की बोतल जब्त, 1 कर्मचारी सस्पेंड। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों ने मरे हुए सांप को जीभ पर रख कर किया प्रदर्शन। केंद्र में 40,000 करोड़ रुपए का सूखा राहत पैकेज, ऋण माफी की कर रहे हैं मांग। दिल्ली में करीब 4.25 करोड़ की पुरानी करेंसी जब्त, पुराने नोट से जुड़े बिजनेसमैन अनिल जैन को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली IIT में विंध्याचल हॉस्टल से फर्स्ट ईयर के छात्र ने 4थी मंजिल से लगाई छलांग, एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। दिल्ली में बिजली बोर्ड के हजारों कर्मचारियों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, पेंशन और सरकारी सुविधाओं की मांग उठाई। दिल्ली के सागरपुरा इलाके में बदमाशों ने SBI के ATM पर बोला धावा, ड्यूटी पर तैनात गार्ड को घायल किया। गया के प्रभावती अस्पताल में DM का औचक निरीक्षण, अव्यवस्था देख स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई फटकार, कई कर्मचारियों के वेतन पर लगाई रोक। हाजीपुर में डाक पार्सल की गाड़ी से शराब के कारोबार का खुलासा, 300 से ज्यादा शराब के कार्टन जब्त। कटिहार में शराब तस्करी का भंडाफोड़, नाव के जरिए झारखंड से लाते पकड़े गए। समस्तीपुर में अवैध बूचड़खानों की उड़ी नींद, 10 लाख रुपए का प्रतिदिन होता है बीफ का कारोबार। सहरसा में कांग्रेस युवा कमेटी ने किया पैदल मार्च, कांग्रेस ने अपने 60 साल के काम को लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। चूरू में ऑटो चालक और बाइक सवार में मामूली कहासुनी के बाद मारपीट, ऑटो वालों की मौत, आरोपी गिरफ्तार। भरतपुर में फर्जी कागजात बनाकर दूसरे राज्यों में ट्रैक्टर चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार। करौली में एक साथ 4 घरों में ताले टूटने से भड़के लोग, पुलिस के काम पर उठाए सवाल। उदयपुर में एकलिंग छावनी के पास जंगल में लगी आग, पूरे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन। भरतपुर में राहगीरों से ठगी करने वाले 4 शातिर गिरफ्तार, आरोपियों से कई सामान और कैश बरामद। चूरू में तपने लगी जमीन, 43 डिग्री तक पहुंचा तापमान, गर्म हवाओं ने बढ़ाई मुश्किल।
बाड़मेर में 45 डिग्री के तापमान के बीच मैराथन का आयोजन, सेना के जवानों, वायुसेना के अधिकारी, युवकों और बुजुर्गों ने भी लिया हिस्सा।